नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपर आर्म्स के मसल्स के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे अपर आर्म की मसल्स के बारे में, जानने की कोशिश करेंगे उनकी ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, एक्शन क्या है। आगे बढ़ने से पहले बेहद जरूरी है कि हम अपर आर्म के बारे में टू कंपार्टमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लें। एक्चुअली फेशिया के द्वारा अपर आर्म्स को दो कंपार्टमेंट में बांटा गया है। तो इसमें आप देखेंगे डीप फेशिया की वजह से अपर आर्म को हम दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे दो फेशियल सेप्टा होंगी, एक मीडियल साइड में और एक लैटरल साइड में। और ये जो सेप्टा है ये एक्सटेंशन है सीथ का, और ये ह्यूमरस के मीडियल और लैटरल साइड पर सुप्राकोंडाइलर रिज से जुड़े हुए होते हैं। तो इनका एक्सटेंशन हम यहां तक देखते हैं। तो इसके कारण ये फेशियल सेप्टा, सिर्फ इतना हमें समझना है, लैटरल और मीडियल साइड में ह्यूमरस को अटैच करते हुए जो फेशियल सेप्टा हैं वो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बस इतनी सी बात समझ ले तो भी हमारा काम हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे ये है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, और इस साइड में है लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। इसके आगे की ओर हम यहां पर एंटीरियर कंपार्टमेंट कहते हैं, और इसके पीछे की ओर हम लोग पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कहते हैं। तो ये कंपार्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी वजह से आया, इन सेप्टा की मदद से। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं यहां पर इन एंटीरियर और पोस्टीरियर फेशियल जो कंपार्टमेंट्स हैं उनमें कौन कौन सी मसल्स हैं, कौन कौन सी नर्व्स हैं, और कौन कौन सी आर्टेरियल सप्लाई यहां पर होती है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं एंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ अपर आर्म्स की, तो यहां पर थ्री मसल्स और जो ब्लड वेसल, जो ब्लड सप्लाई यहां पर होती है वो ब्रैकियल आर्टरी की होती है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि यहां थ्री मसल्स हैं, कोरैको ब्रैकियलिस, बाइसेप्स ब्रैकियाई और ब्रैकियलिस, ये थ्री मसल्स हैं। आर्टेरियल सप्लाई ब्रैकियल आर्टरी की है, और यहां पर नर्व की जो सप्लाई है वो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व की होती है। तो इस तरीके से ये इसकी एक खास बात है। और यहां पर इस कंपार्टमेंट के बारे में जब हम देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे जो नर्व सप्लाई है वो है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व की, लेकिन इसके अलावा यहां से गुजर रहे होते हैं मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, इसके अलावा मीडियन नर्व, अल्नर नर्व गुजर रहे होते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर जो ब्रैकियल आर्टरी जो गुजर रही है अपनी ब्रांचेस देती है, लेकिन यहां पर थ्री नर्व्स में से सिर्फ मस्कुलो क्यूटेनियस ही अपनी यहां ब्रांच देगा, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व यहां पर ब्रांचेस नहीं देते हैं। और यहां बेसिलिक वेन का अपना एक इंपॉर्टेंस होगा। तो इन सारी चीजों को हम आगे देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे उन स्ट्रक्चर्स की जो यहां से होकर के गुजरेंगे। तो आप देखेंगे मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, ब्रैकियल आर्टरी, बेसिलिक आर्टरी। तो मैंने आपको बताया ना, ये यहां पर कोई अपनी सप्लाई नहीं देते हैं, यहां जो सप्लाई मिलती है वो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व की होती है। तो इसी के साथ अब हम वन बाय वन जो मसल्स हैं उनकी बात करेंगे। थ्री मसल्स के बारे में हमें पढ़ना था, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं बाइसेप्स ब्रैकियाई से। बाइसेप्स ब्रैकियाई के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके दो हेड होते हैं, दो हेड, इसीलिए इसे बाइसेप्स कहते हैं। तो इसका जो शॉर्ट हेड है, यहां पर आप देखें ये जो शॉर्ट हेड है ये टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस से अपनी ओरिजिन लेता है, और जो इसका लॉन्ग हेड है यहां पर आप देखें ये घूम करके जाता है और स्कैपुला के सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरिकल से अपनी ओरिजिन लेता है। तो ये सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरिकल से अपनी ओरिजिन लेगा, और जो शॉर्ट हेड है इसकी ओरिजिन कोराकॉइड प्रोसेस के टिप से होती है। तो इसके बाइसेप्स मसल्स जो ये बनते हैं ये नीचे की ओर इंसर्ट करते हैं, कहां पर इसको भी देखना जरूरी है। तो ये बाइसेप्स ऑफ टेंडन बनाते हुए ये रेडियल ट्यूबरोसिटी के पास, रेडियल ट्यूबरोसिटी पर जा करके इंसर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये रेडियल ट्यूबरोसिटी पर जा करके इंसर्ट हुआ, और इसका कुछ पार्ट बाइसेप्स एपोनीरोसिस बना करके
इधर की ओर निकल जाता है। एक और इमेज के माध्यम से हम इसे देखने का प्रयास करेंगे कि इसका ओरिजिन और इंसर्शन कहां पर है। तो यहां पर आप देखें, ये शॉर्ट हेड है जो कि कोराकॉइड प्रोसेस से अपनी ओरिजिन ले रहा है, और ये क्लेविकल का जो सुप्राग्लेनॉइड, इस बात को समझें, वहां से ओरिजिन होगा और ये जा करके अपने इंसर्शन कहां पर देता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी पर अपनी ये इंसर्शन होता है। इसके अलावा इसकी बाइसिपिटल एपोनिरोसिस भी होती है। इस इमेज में हम लोग स्कैपुला के ये सुप्राग्लेनॉइड वाले पार्ट को अप्रिशिएट कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, और ये है यहां पर सुप्राग्लेनॉइड पार्ट। और इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे ये होता है इन्फ्राग्लेनॉइड पार्ट। तो सुप्रा और इन्फ्राग्लेनॉइड पार्ट, ये है कोराकॉइड प्रोसेस। इसके बारे में हम स्कैपुला के बारे में जब पढ़ते हैं तो अच्छी तरीके समझ पाते हैं। यहां पर हम इन सारी चीजों को देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ये है एक्रोमियन प्रोसेस, ये कोराकॉइड प्रोसेस, ये ग्लेनॉइड कैविटी, इसके ऊपर सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल और इधर इन्फ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल। ये है स्कैपुला का नेक वाला हिस्सा, इधर लेटरल बॉर्डर है, ये सुपीरियर बॉर्डर है, और इधर की ओर मीडियल बॉर्डर होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं, उसको बस रिवाइज कराना चाहा, वो इसलिए रिवाइज कराना चाहा ताकि हम यहां पर बाइसेप्स ब्रैकियाई मसल के ओरिजिन के इन पॉइंट्स को आसानी से समझ सकें। तो चलिए बात करते हैं बाइसेप्स ब्रैकियाई मसल्स के बारे में, और इसका किस तरीके से दिखता होगा लिविंग बॉडी में। इसको हम लोगों ने तो देख लिया, इसको समझ लिया, और यही डोले शोले जिसे हम कहते हैं, बॉडी बिल्डर्स इसे ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करते हैं एक अच्छा फिजिक शो करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं सारी चीजों को जिसको अभी हमने इमेज में देखा, उसको एक बार समझ लेते हैं। इसकी ओरिजिन कहां से थी, सुप्राग्लेनॉइड से लॉन्ग हेड की और कोराकॉइड प्रोसेस से शॉर्ट हेड की। इंसर्शन कहां पर है, तो ये रेडियस के ट्यूबरोसिटी पर, और बाइसिपिटल एपिनिरोसिस जो था ये डीप फेशिया फोर आर्म में जाकर के इसका इंसर्शन हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो भी फोर आर्म की मसल्स हैं उनकी जो नर्व सप्लाई है वो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व से होती है, तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। और चूंकि जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की ये मसल है तो इसका एक्शन क्या होगा, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो ज्वाइंट, और ये वीक फ्लेक्चर ऑफ शोल्डर ज्वाइंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म के लिए भी इसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप देखेंगे ये फ्लेक्सर ऑफ एल्बो ज्वाइंट, वीक फ्लेक्चर ऑफ शोल्डर ज्वाइंट, सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मसल की, कोरेको ब्रैकियालिस मसल की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, कोरेको ब्रैकियालिस की ओर बढ़ने से पहले हम बात करते हैं बाइसिपिटल बाइसेप्स रिफ्लेक्स के बारे में। तो बाइसेप्स रिफ्लेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, बाइसेप्स ब्रैकियाई मसल्स की मदद से ये की जाने वाली टेस्टिंग है जो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व के बारे में, उसके इंटीग्रिटी के बारे में जानकारी देती है। इसकी टेस्टिंग में यहां पर आप देखें, फोर आर्म को स्लाइटली हम प्रोनेटेड पोजीशन में रखने के बाद हम पार्शियली एक्सटेंडेड होता है, और जब यहां पर बाइसेप्स टेंडन को हैमर से जब चोट पहुंचाई जाती है तो यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट होता है, जो शुरू होती है रिफ्लेक्स एक्शन, ये जानकारी देती है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व के बारे में और C5 C6 स्पाइनल सेगमेंट के बारे में। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ब्रेकियल प्लेक्सस में, और यहां पर हम देख सकते हैं ये लैटरल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। तो इसके बारे में जब हम देखते हैं तो ये आप यहां पर अप्रिशिएट कर सकते हैं इस इमेज के माध्यम से मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व को, जो कि C5 C6 के इंटीग्रिटी के बारे में जानकारी देता है। तो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व के पीछे जब आप चलेंगे तो यहां पर देखेंगे C5 C6 के साथ इसका कनेक्शन है। तो जब हम बाइसेप्स
रिफ्लेक्स करते हैं तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में पता चलता है। इसके अलावा C5-C6 की इंटीग्रिटी के बारे में भी पता चल जाता है। यहाँ पर ब्रैकियल प्लेक्सस को एक बार फिर से हम देखने का यहाँ प्रयास कर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं इसके इन ब्रांचेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए C5-C6 और यहाँ पर C7 जब मिलता है तो ये लैटरल कॉर्ड बनाता है और इसी लैटरल कॉर्ड के आगे बढ़ने से बनता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं और इसके द्वारा ही आर्म की मसल्स सप्लाइड होती हैं। तो अगर कोई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में पूछे तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये BBC मसल्स को बाइसेप्स, फिर ब्रैकियालिस और कोरैको ब्रैकियालिस, इन मसल्स को ये अपना नर्व सप्लाई देता है। तो इन मसल्स का नाम हमें पता होना चाहिए, बाइसेप्स, फिर ब्रैकियालिस और कोरैको ब्रैकियालिस। और इस नर्व की वजह से ये मसल्स क्या एक्शन करेंगे, फ्लेक्शन ऑफ आर्म एट एल्बो, सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म। तो यहां पर देखिए सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म ही हुआ था, यहां पर आप देखेंगे तो फ्लेक्शन ऑफ आर्म एट एल्बो, इसको हम लोगों ने देखा रिफ्लेक्स में, सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म ये भी इसी की वजह से हो पाता है। और इसके साथ ही साथ यहां पर देखिए ये है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो ब्लू कलर की है, ये जब आगे की ओर बढ़ती है तो ये लैटरल सरफेस ऑफ फोर आर्म थ्रू लैटरल एंटी ब्रैकियल क्यूटेनियस नर्व के द्वारा ये अपनी ब्रांचेस देता है। तो यहां पर देखिए ये सारे फोर आर्म की मसल्स को अपनी नर्व सप्लाई देने के साथ ही साथ जब ये आगे की ओर बढ़ रहा है तो ये मस्कुलोक्यूटेनियस अपनी ब्रांच लैटरल साइड ऑफ या लैटरल सरफेस ऑफ फोर आर्म में अपनी ब्रांचेस देता है। तो इस तरीके से हमें इसके बारे में इसके सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी हो जाती है। तो थोड़ा सा हम इसे यहां पर देख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया बनाया नर्व सप्लाई का आर्म की मसल्स में, और इसके अलावा आर्म की मसल्स को कौन नर्व सप्लाई देगा यह समझा। अब एक मसल हमने कवर कर लिया, दूसरी मसल जो यहां काफी इंपॉर्टेंट है वो है कोरैको ब्रैकियालिस। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो कि C5, C6 और C7, अगर मैंने कभी केवल C5, C6 बोला है तो आपको उसको करेक्ट करना है, C5, C6, C7 तीनों की ओरिजिन वो लेकर के आता है। मैंने बताया भी था कि वो जो उसकी रूट वैल्यू है C5, C6, C7 उसको आपको याद रखना है। तो यहां पर कोरैको ब्रैकियालिस जो मसल है उसकी ओरिजिन कहां पर होती है, टिप ऑफ कोरैकोइड प्रोसेस से, यहां पर आप देखें। और इसका इंसर्शन जो होता है वो मीडियल सरफेस ऑफ ह्यूमरस पर, और यहां पर देखेंगे मिडिल थर्ड ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ ह्यूमरस पर इसका इंसर्शन होता है। और ये करेगा क्या, ये आर्म को फ्लेक्स करने में मदद करता है, चूंकि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का मसल है। इसके अलावा ये एडीडक्ट एडक्शन का काम करता है। तो यहां पर देखिए ये जब खींचेगा तो एडक्शन हो सकता है, आर्म का एडक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इनर्वेशन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की होती है और इन्हीं सारी पॉइंट्स को हमें पढ़ना है। तो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कोरैको ब्रैकियालिस मसल के बारे में, और एक बार फिर से हम कुछ इमेज के माध्यम से इसे देखने का प्रयास करेंगे कैसा दिखता होगा। हम लोग इसे जस्टिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं, ओरिजिन इंसर्शन, और यहां पर हम इसे एक बार फिर से देखेंगे कैसे इसकी ओरिजिन हुई है, कैसे इसका इंसर्शन हुआ है। तो यहां पर आप देखिए मिडिल वन थर्ड ऑफ मीडियल पार्ट ऑफ ह्यूमरस पर ये जाकर के इंसर्ट किए हुए हैं। तो यहां पर ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो ये कोरैकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ही इसकी ओरिजिन हुई थी। इंसर्शन कहां पर हुआ था, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, जो मिडिल थर्ड पार्ट जो है उसके मीडियल एस्पेक्ट पर ह्यूमरस के इसकी इंसर्शन हुई है। और नर्व सप्लाई के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं और इसका एक्शन भी हमने पढ़ लिया कि ये आर्म को फ्लेक्स करता है और एडिडक्शन का इसका एक्शन होता है। ध्यान रहे कि जो इंसर्शन ऑफ
कोरैकोब्रैकियलिस का जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान रेडियल नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से एंटीरियर कंपार्टमेंट की ओर एंटर करता है। तो यहां पर आप देखेंगे लैटरल साइड और इसे मैं मीडियल साइड बना लेता हूं। तो आप देखेंगे जो रेडियल नर्व है ये लैटरल साइड में, ये पीछे की ओर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से एंटीरियर कंपार्टमेंट में एंटर करता है। इसी तरीके से आप देखेंगे अल्नर नर्व जो कि मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम के एंटीरियर कंपार्टमेंट में था, वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चला जाता है। तो ये अल्नर नर्व के बारे में हम ये कह सकते हैं। तो यहां पर हुआ ये रेडियल नर्व की कहानी जो लैटरल साइड में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से एंटीरियर कंपार्टमेंट में, अल्नर नर्व जबकि मीडियल साइड में था तो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, ये हो कहां रहा है? उस पॉइंट पर हो रहा है जहां पर कोरैकोब्रैकियलिस इंसर्ट करता है। तो इसी दौरान एक और घटना घटती है। यहां पर आप देखेंगे ये हम यहां पर ब्रैकियल आर्टरी को बना रहे हैं। तो यहां इस पॉइंट से पहले मीडियन नर्व ब्रैकियल आर्टरी के लैटरल होता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये अपनी पोजीशन शिफ्ट करके मीडियल टू ब्रैकियल आर्टरी, ये मीडियन नर्व मीडियली आ जाता है। इस तरीके के पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जहां पर कोरैकोब्रैकियलिस इंसर्ट करता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिसे याद रखना चाहिए। बेसिलिक वेन यहां पर डीप फेशिया को पियर्स करता है इसी पॉइंट पर, और यहां पर नर्व्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और यहां मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म ये भी डीप फेशिया को पियर्स करता है। तो यहां पर डीप फेशिया को पियर्स करने वाले दो स्ट्रक्चर्स के बारे में, बेसिलिक वेन और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, ये डीप फेशिया को पियर्स करते हैं इसी लोकेशन पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोरैकोब्रैकियलिस के इंसर्शन के पॉइंट को समझा। अब हम लोग बात करेंगे ब्रैकियलिस मसल्स के बारे में। तो ब्रैकियलिस मसल्स के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस मसल के बारे में, ये कहाँ दिखता होगा, कैसा दिखता होगा, ये इसको जब एक बार हम ओरिएंटेशन इसका बना लेंगे तो इसके एक्शन, इसके क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस को आसानी से हम समझ पाएंगे। तो यहां पर है ये ब्रैकियलिस मसल। यहां पर ब्रैकियलिस मसल के ओरिजिन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये एंटीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से इसकी ओरिजिन होती है, और खास तौर पर डिस्टल हाफ ऑफ इस बोन के एंटीरियर सरफेस से इसकी ओरिजिन होती है, और ये कोरोनॉइड प्रोसेस और अल्नर ट्यूबरोसिटी पर इसका इंसर्शन होता है। इस मसल का इंसर्शन कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पर होता है। तो यहां पर देखिए कोरोनॉइड प्रोसेस और ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना पर इसका इंसर्शन होता है। इस चीज को एक बार फिर से देखेंगे। यहां पर हम उस पार्ट को थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहेंगे जो अल्ना का स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, एल्बो ज्वाइंट से अटैच जो पार्ट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर है कोरोनॉइड प्रोसेस और ये है अल्नर ट्यूबरोसिटी। यहां पर ये रेडियल नॉच है, ये ट्रॉक्लियर नॉच है, ये ओलेक्रोनन प्रोसेस है। यहां पर देखिए कोरोनॉइड और ओलेक्रोनन और ये बाकी सारे पार्ट्स जिसमें हमें अभी जो याद रखना है वो है कोरोनॉइड प्रोसेस और अल्नर ट्यूबरोसिटी को। तो यहां पर हम देख सकते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस और अल्नर ट्यूबरोसिटी पर इंसर्शन होता है, और खास बात यह है कि ये नर्व ड्यूअल सप्लाई रखती है। तो आप देखेंगे इसका इस मसल की, ब्रैकियलिस मसल की ड्यूअल नर्व सप्लाई होती है। ये मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व के द्वारा इसके सप्लाई होती ही है। इसके अलावा
ये रेडियल नर्व से भी सप्लाइड होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मीडियल पार्ट है, मीडियल जो अधिकतर जो टू थर्ड जो पार्ट है, मीडियल टू थर्ड पार्ट इसका मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से सप्लाइड होता है, और यहाँ पर लेटरल वन थर्ड जो पार्ट है वो रेडियल नर्व से सप्लाइड होता है। और एक बात कहा जाता है कि ये आर्म मसल्स की जैसे ही यहाँ पर ये एल्बो ज्वाइंट्स का फ्लेक्शन कराएगा। तो चलिए एक बार फिर से ब्रैकियलिस को देख लेते हैं, इसके कंडीशंस को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ ये किस तरीके से इसका ओरिजिन होगा, इंसर्शन का पॉइंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर देखें तो इस इमेज में उन्हीं सारी चीजों को एक बार फिर से दिखाने का प्रयास किया गया है। ओरिजिन की जब हमने बात किया था तो लोअर हाफ ऑफ ह्यूमरस के एंटीरियर सरफेस से इसकी ओरिजिन थी, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पर इसका इंसर्शन था, और इसका जो मस्कुलर इस मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के द्वारा इसकी सप्लाई थी। इसके अलावा ये रेडियल नर्व से भी इसकी सप्लाई थी, ये मिक्स नर्व है। और एक्शन के बारे में जब हम लोगों ने बात किया था तो ये एल्बो ज्वाइंट्स का फ्लेक्शन कराता है। तो यहां मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के साथ साथ आपको रेडियल नर्व भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात किया एंटीरियर कंपार्टमेंट्स के मसल्स के बारे में, और यहां पर समझने का प्रयास किया यहां पर कौन कौन सी मसल्स होती हैं। तो हम लोगों ने बात किया है यहां पर बाइसेप्स ब्रैकियाई के बारे में। बाइसेप्स ब्रैकियाई दो नाम है, यहां पर याद रखना है। इसी तरीके से हम लोगों ने बात किया जब कोरैको ब्रैकियालिस का, तो यहां पर कोरैको ब्रैकियालिस यहां पर भी दो नाम जुड़े हुए हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, दो दो नाम से जुड़े हुआ एक दो मसल्स हैं और एक मसल है सिंगल नाम से जुड़ा हुआ। तो ये एक नाम एक मसल ब्रैकियालिस, और ये हाइब्रिड मसल है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा, एक कॉन्सेप्ट बनाया, ये जानने की कोशिश किया कितनी मसल्स हैं, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने चर्चा किया मस्कुलर ब्रांचेस जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की सप्लाई यहां पर होती है, मस्कुलर ब्रांचेस के द्वारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बाइसेप्स ब्रैकियाई कोरैको ब्रैकियालिस और ब्रैकियालिस को अपनी सप्लाई देता है। इसके अलावा हम लोगों ने यह भी चर्चा किया कि क्यूटेनियस ब्रांच जो इसकी होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की, तो ये जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की जो क्यूटेनियस ब्रांच है, इन मसल्स के अलावा नीचे की ओर जब आगे बढ़ती है तो यहां पर आप देखेंगे यहां से ये लैटरल साइड में फ्रंट और लैटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म में अपनी सप्लाई देती है। तो यहां पर आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं इसको ब्लू कलर से दिखाने का प्रयास किया गया है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के लिए। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये मीडियन नर्व का है, तो मीडियन नर्व के बारे में हम अलग से बात करेंगे। यहां देखिए ना, ये मीडियन नर्व के बारे में बताया गया, मीडियन नर्व को अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में। इस इमेज में हम और बेहतर तरीके से उन्हीं चीजों को एक बार फिर से देख सकते हैं, यहां पर जूम करके जब देखने का प्रयास करेंगे तो यहां एक्सक्लूसिवली मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को ही दिखाया गया है, इसलिए आसानी से हम उन मस्कुलर ब्रांचेस को यहां पर देख सकते हैं जो तीनों मसल्स हैं। और इसके बाद जब ये आगे की ओर बढ़ता है तो लैटरल एंटी ब्रैकियल क्यूटेनियस नर्व के रूप में ये अपना क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। तो यहां पर आप देखिए क्यूटेनियस जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लैटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म में इसका होता है, और ये लैटरल एंटी ब्रैकियल क्यूटेनियस नर्व के रूप में अपना आगे की जो ब्रांचेस है उसी की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करेंगे।